Dear students of class 6, I am starting your new chapter, chapter number 3, Fiber to Fabric of your science book. There are many types of fabric that you can see when you go to the market. Clothes made up of cotton, wool, silk are available. And even if you compare your school bag and gunny bag, you may observe both are made up of different kind of fabric. मीनिंग अगर आप मार्केट में जाते हो और आप परचेजिंग करने के लिए जाते हो, आपने कपड़े ख़रीदने हैं, ठीक है, या मम्मा ने कोई साड़ी ख़रीदनी है, तो आप देखते हो कि आपको अलग अलग टाइप के कपड़े देखने को मिलेंगे। जैसे वैसे भी आप अगर समर में परचेजिंग करने जाते हो तो कॉटन क्लोथ जो होंगे वो कॉमन दिखेंगे आपको, लेकिन स्टिल कुछ कॉटन विद अदर फाइबर जो है वो मिक्स होके भी बनते हैं, ठीक है, वो अभी आगे के लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूँगी, बताऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स देखने को मिलते हैं। और विंटर्स में आप ऑटोमेटिकली वूलन कपड़े ख़रीदते हो ताकि आपको ठंड ना लगे। सिल्क कॉमन सा है, किसी भी मौसम में अच्छा लगता है, जैसे सिल्क की साड़ीज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स यू कैन सी इन द मार्केट। आप मार्केट जाओगे, शॉपकीपर आपको अलग अलग तरह के कपड़े दिखाएगा, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उन्हें सेलेक्ट करते हो। और अगर आप कंपेयर करो, जैसे आपके हाथ में स्कूल बैग है, आप स्कूल में बैग लेके आते हो, ठीक है, और एक गनी बैग, ठीक है, गनी बैग पापा से बोलना, आपको दिखाएंगे, उसमें गेहूँ वगैरह देखने को मिल जाएगी आपको। तो गनी बैग और स्कूल बैग को भी अगर आप कंपेयर करते हो तो बोथ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। What do you mean by fiber? Fiber क्या होता है? The thin strands of thread are made up of still thinner strands known as fiber. आपके घर में मम्मी के पास ना एक कपड़े सिलने के लिए रील होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं रील। मम्मी से बोलना दिखाएंगी, उसमें थ्रेड जो होता है वो रोल अप होता है, ठीक। वो जो थ्रेड है ना जिसे आप देख रहे हो, उस थ्रेड के अंदर भी थिनर स्ट्रेंड्स हैं जिनको मोल्ड करके मोड़ के, ठीक है, एक फाइबर बनाया जाता है, मतलब सॉरी थ्रेड बनाया जाता है। तो थ्रेड जो है वो मींस थ्रेड जो हमें पतला सा दिखता है उसमें भी थिनर स्ट्रेंड्स हैं, दैट आर नोन एज फाइबर, क्लियर। अब फाइबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ठीक। और कॉटन और जूट जो है वो आपको प्लांट से ऑप्टेन होता है, और सिल्क एंड वूल आपको ऑप्टेन होता है एनिमल से। मीन्स नेचुरल फाइबर के जो सोर्सेज हैं दे आर ऑल्सो नेचुरल। द सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से ही हम नेचुरल फाइबर को ऑप्टेन करते हैं। हम उन्हें नेचुरल फाइबर बोल क्यों रहे हैं? उनको हम नेचुरल फाइबर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल वे में हम उन्हें ऑप्टेन कर रहे हैं, नेचर हमें दे रही है उन्हें। कॉटन है तो कॉटन के प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है, जूट है तो जूट का प्लांट होता है, और सिल्क वूल, सिल्क जो है आपकी सिल्क मोथ से ऑप्टेन होती है, सिल्क मोथ अभी आगे कंटिन्यू चैप्टर में आएगा, ठीक है। वूल भी इस तरह से हमें अलग अलग एनिमल से ऑप्टेन होती है, जैसे आपकी याक हो गया, शीप हो गई। तो इस तरह से इनके जो सोर्सेज है हमारे दे आर नेचुरल वंस, सो दे आर सेड टू बी नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब दे आर मेड आर्टिफिशली फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। अब इनको हम केमिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आर्टिफिशली प्रिपेयर कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर को, जिनका हमारा सोर्स जो है वो नेचुरल नहीं है, दैट्स वाई दे आर सेड टू बी सिंथेटिक वन। सम प्लांट फाइबर्स, अब मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट फाइबर्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉटन। द कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रिसेस, क्विड्स एंड पिल्लोस। आप मैट्रिसेस पे सोते हो रात को, जो आपका बेड है उसके ऊपर मम्मा ने जो है वो मैट्रिस बिछाई होती है, ठीक है,
और क्विड्स, और क्विड्स यूज़ करते हो आप विंटर्स में, जिन्हें आप रज़ाई बोलते हो, ठीक है। और पिल्लोस आप अपने सिर के नीचे रखते हो ताकि आप कंफर्टेबल रहो, ठीक है। तो इन सब में क्या भरी होती है, कॉटन भरी होती है। मम्मी से बोलना, दिखाएंगे आपको। द स्मॉल थिन स्ट्रेंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो ये जो आपको कॉटन भरी हुई मिल रही है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो उसमें भी आपके थिन स्ट्रेंड्स हैं। दिस थिन स्ट्रेंड्स आर नोन एज कॉटन फाइबर। अब कॉटन जो है एक्चुअली फील्ड्स में ग्रो होती है। दे आर ऑब्टेन्ड, मतलब मैंने अभी बताया कि कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, इन फील्ड्स। तो इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब ये हर जगह कॉटन प्लांट ग्रो नहीं करता, इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल चाहिए होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। तो जिन जगहों पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट मिलता है, ओनली इन दोज एरिया कॉटन प्लांट्स कैन बी ग्रोन। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। लेमन, नींबू डेली घर में यूज़ करते हो, तो जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है, ये अबाउट इसी साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। फ्रॉम दीज बोल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड्स। तो जब ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं। देखो, हर जो भी हम एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, फार्मर एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, उसमें उनको मैच्योरिटी पीरियड में देखना होता है कि कब वो जो है उनके प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट है। तो जब उनका वो मैच्योरिंग पीरियड आ जाता है, तो वो जो बॉल्स होती हैं उनकी, जो कॉटन बॉल्स होती है जो फ्रूट की फॉर्म में है, वो ब्रस्ट हो जाती हैं, अपने आप ही फूट जाती हैं, ठीक है। और उनके जो सीड्स होते हैं, वो अपने आप को कॉटन फाइबर से कवर कर लेते हैं, मतलब कवर्ड ऑलरेडी होते हैं। बट जैसे ही मैच्योरिंग होती है, बॉल ब्रस्ट होगी और आप देखोगे कि जो सीड्स हैं दे आर कवर्ड विद कॉटन फाइबर। उनके अराउंड आपको कॉटन फाइबर क्लियर नज़र आएगा, वाइट वाइट सा, ठीक है। आप दूर से देखोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि पूरी स्नो है। फ्रॉम दीज बॉल्स इन कॉटन्स को जो है वो हैंड से पिक कर लिया जाता है। और आजकल तो मशीन्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी है, तो मशीन से भी ये काम हो सकता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। नीचे स्लाइड में देखो, एक फार्मर जो है आपको कॉम्बिंग करता हुआ क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके पास कॉम्ब लाइक इंस्ट्रूमेंट है दैट ही इज़ यूजिंग टू सेपरेट द फाइबर फ्रॉम द सीड। दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। पहले जो है वो हैंड से ही हम इसको करते थे, बट आज के डेज में जो है क्विक वर्क है, तो मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। नेक्स्ट प्लांट फाइबर इज जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। स्लाइड में देखो, आपको जूट प्लांट दिखाया हुआ है। इसकी जो स्टेम होती है, इसको ऑब्टेन कर लिया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसको कल्टिवेट करने का जो मेन सीज़न है, वो रेनी सीज़न है, जिस टाइम हमारा मॉनसून सीजन होता है, बारिश वगैरह आ रही होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। तो ये स्टेट्स हैं वेयर जूट इज़ मेनली ग्रोन। और जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, उस टाइम जो है इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। हार्वेस्ट करने के बाद जो इसकी स्टेम होती है, उसको पानी के अंदर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। पानी में डिप रहने दिया जाता है, इमर्स रहने दिया जाता है, और डिप्ड पानी में फ्यू डेज के लिए इसे लेफ्ट कर दिया जाता है। द स्टेम रूट एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। जब वो स्टेम बिल्कुल पानी की वजह से गल जाती है, रोट हो जाती है, बिल्कुल डिकम्पोज हो जाती है, गल जाती है, तो उसके अंदर का जो फाइबर है वो हैंड से सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम जूट फाइबर कैन बी इजली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अब मैं आज का लेक्चर आपको यहीं तक दे रही हूँ, ठीक है। आपको इसको वेल प्रिपेयर करना है, नोट्स रेडी करने हैं। मैंने वैसे स्लाइड्स में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, यही आपकी नोट्स हैं। बट आप चाहो तो इसे कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करोगे, पेजेस को भी थोरली रीड करोगे, और ये जो है आपका मेन पोर्शन है जो आपको नोट्स में देना था, मैंने आपके नोट्स भी रेडी कर दिए हैं। अब प्रिपेयर करना आपने है। ओके, थैंक यू।